हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एनाफोर्टन सिरप के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, एनाफोर्टन सिरप 60 ml की भर्ती में आता है और इसकी कीमत लगभग 70 रुपये के आसपास रहती है। दोस्तों, एनाफोर्टन सिरप को एबॉट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस दवा में केमिलोफिन और पारासीटामोल नामक कंटेंट्स मिला होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एनाफोर्टन सिरप के बारे में विस्तार से। दोस्तों, एनाफोर्टन सिरप एक पर्चे में मिलने वाली दवा है जिसका उपयोग पेट के दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। यह दो दवाइयों का संयोजन है जो पेट और आंत की मांसपेशियों को आराम करके पेट दर्द और ऐंठन को कम करने के लिए प्रभावी रूप से काम करता है। यह दर्द के संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचाने से भी रोकता है। एनाफोर्टन सिरप को अपने डॉक्टर द्वारा सुझाई गई खुराक और अवधि में लिया जाना चाहिए। आप इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के भी ले सकते हैं, लेकिन हर दिन एक निश्चित समय पर ले सकते हैं। पर्चे का सख्ती से पालन करें और लंबे समय तक दवा ना लें। यदि आपको कोई किडनी या जिगर की बीमारी है तो इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। कभी कभी जब आप इस दवा पर होते हैं तो शुष्क मुंह हो सकता है, बार बार मुंह में पानी आना, अच्छी मौखिक स्वच्छता और उचित तरल पदार्थ का सेवन इससे उबरने में मदद कर सकता है। जब आप इस दवा पर हों तो शराब के सेवन से बचना जरूरी है, क्योंकि यह आपके लीवर की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अपने डॉक्टर को तुरंत परामर्श करें यदि आप किसी भी त्वचा की लालिमा या चकते का अनुभव करते हैं। एनाफोर्टन सिरप का मुख्य रूप से इस्तेमाल पेट के दर्द के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एनाफोर्टन सिरप के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, इसके लेने से आपका मुंह में सूखापन आ सकता है, आपको कब्ज हो सकती है, नज़र धुंधली हो सकती है, धड़कन तेज हो सकती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एनाफोर्टन सिरप का किस प्रकार इस्तेमाल करना है। इस दवा को डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि के अनुसार उपयोग करें। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने से पहले इस बोतल को अच्छी तरह से हिला लें। एनाफोर्टन सिरप भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक निश्चित समय पर लिया जाए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं एनाफोर्टन सिरप किस प्रकार काम करता है। एनाफोर्टन सिरप में दो दवाइयां मिली हैं, जैसे केमिफ्लोरिन और पारासीटामोल, जो पेट दर्द से राहत दिलाता है। केमिलोफिन एक एंटी चोलोनर्जिक है जो पेट और आंत में मांसपेशियों को आराम देता है और अचानक मांसपेशियों के संकुचन यानी ऐंठन को कम करता है। ऐसा करने से यह ऐंठन दर्द, सूजन और बेचैनी से राहत दिलाता है। पारासीटामोल एक एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक और एक एंटीपायरेटिक बुखार रिड्यूसर है, जो कुछ रासायनिक द्वितीयों की रिहाई को अवरुद्ध करके काम करता है जो बुखार और दर्द का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनाफोर्टन सिरप के बारे में। जाने से पहले हम इसको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।